मुंबई के असलफा में उत्तर भारतीय संघ द्वारा संचालित हिंदी बाल विद्या मंदिर परिसर में श्रीमती अमरावती श्रीनाथ सिंह इंग्लिश मीडियम स्कूल का शुभारंभ किया गया। इस नेक कार्य हेतु वरिष्ठ समाज सेवक ज्ञान प्रकाश सिंह ने 51 लाख रुपए की सहयोग राशि उत्तर भारतीय संघ को प्रदान की। ज्ञान प्रकाश सिंह के इस सराहनीय कार्य हेतु उत्तर भारतीय संघ के अध्यक्ष संतोष आर्यन सिंह ने बांद्रा स्थित संघ भवन में बाटी चोखा स्नेह मिलन समारोह का भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर उत्तर भारतीय समाज के प्रबुद्ध जन, राजनेता, उद्योगपति, समाज सेवक, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले गणमान्य लोग उपस्थित थे। पेश है मुंबई से हमारी खास रिपोर्ट। कार्याध्यक्ष और हमारे सबके अगुआ मार्गदर्शक परम आदरणीय बाबू शारदा प्रसाद सिंह जी, आदरणीय हरिवंश सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम तिवारी जी, आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, सबके प्रिय डॉक्टर राधेश्याम तिवारी जी, प्रिय हम सब लोग प्रिय परम आदरणीय द्वारिका माई द्वारिका प्रसाद मिश्र जी, आदरणीय अनुराग त्रिपाठी जी, नंदलाल उपाध्याय जी, संजय सिंह जी तिवारी जी, हमारे अमरजीत सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं, दूसरे हमारे उत्तर भारतीय संघ के सभी सम्मानी पदाधिकारी और बिटिया गीता सामने बैठी हुई है और उपस्थित है, कुछ हमारी बच्ची है यहाँ पर उपस्थित है, जिसका सम्मान हो रहा है सम्मानी ज्ञान प्रकाश सिंह जी का, ये उनका सम्मान नहीं हो रहा है, पहले तो हम कहेंगे सब जौनपुर वासियों का सम्मान हो रहा है। राम तिवारी जी को, बाबू आर्यन सिंह जी को नमन करते हुए मैं इस मंच पर विराजे हमारे वरिष्ठ श्री कृपा शंकर जी, बाबू जी शारदा सिंह जी, डॉक्टर राधेश्याम तिवारी जी, हरवंश सिंह जी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, द्वारका प्रसाद मिश्रा जी, अनुराग त्रिपाठी जी, अमरजीत सिंह जी, अजय सिंह जी, देवेंद्र तिवारी जी, डॉक्टर किशोर सिंह जी और हमारे सामने बैठे मेरे सारे भाइयों और मेरी बहन भी बैठी है इधर और वो खाली बैठी है सुनने के लिए कि भाई क्या बोलेगा, भाई क्या बोलेगा। अरे इतना संजय बोल दिए कि हमार बोले खातिर हैया लाई बा, खाली काम करे खातिर बा। मैं ठीक है, हंसी की बात हो संजय लता मत लेना नहीं, लेकिन हम ये बात कर कि जीपी सिंह जी को जितनी भी हम उनकी प्रशंसा करें और तारीफ करें वो कम है। इन्होंने जब मैंने इनसे खाली इतना ही रिक्वेस्ट किया कि ज्ञान प्रकाश जी कुछ आप सोचिए अगर हम इंग्लिश मीडियम स्कूल भी चालू करना चाहते हैं, वो कहे नहीं एक शर्त है, हम कहे क्या, बोले सब लोग खाना खाने आएंगे हमारे घर तब जो बोलोगे वो हम करने के लिए समाज के लिए मैं तैयार हूँ। और मैं अभी हम लोगों ने उनके घर गए, खाना खाए और उन्होंने तुरंत 51 लाख रुपए देने के लिए अपने माता पिता के नाम पे अंग्रेजी मीडियम स्कूल जो असलफा में है, जो कि घाटकोपर के बाजू में है, हमारे गरीब जनता मतलब कि उत्तर भारतीय समाज, मराठी समाज, साउथ इंडिया जो भी समाज का आखिरी पंक्ति का व्यक्ति वहां रहता है, वहां के बच्चों के लिए इतनी बड़ी सौगात बन के आया है अंग्रेजी मीडियम स्कूल कि आपकी जितनी भी तारीफ करे उतना कम है। और यहाँ पे सरस्वती जी की बात हुई तो डॉक्टर साहब की तो बात निकलेगी, कल ही डॉक्टर साहब ने मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया की एक कटिंग भेजी, डॉक्टर अंकल जितना भी बोले उतना कम है, आपने बहुत अच्छा जो शिक्षा के जगत में किया है और आप मुझे हर बार बोलते हो कि संतोष
जब भी तुम्हारे उत्तर भारतीय संघ को जरूरत होगी मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। आज स्कूल को जो कॉलेज को जो भी हमें यहाँ पे नेक्ट करके ये लेना है उसमें मेरी मदद करना, ये करना, बहुत सारी चीजें। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ज्यादा तो बोलो नहीं, जैसे कि कृपा अंकल ने अभी बताया कि पार्टी चोखा है, और पार्टी चोखा है तो पार्टी चोखा का टाइम हो रहा है, तो पार्टी चोखा के लिए हम लोग आप लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा। दो हजार अठारह में अपने गांव से मैं वहां पे गया तो मैंने सरकारी प्राइमरी स्कूल देखा जहां पे मेरी शिक्षा हुई थी, तो वहां का देखा तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यहां पे कुछ करना चाहिए। तो मैंने वहां फिर उस स्कूल को हमने गोद लिया और बहुत ही हाईटेक बना दिया बच्चों के लिए, और स्मार्ट क्लासरूम है अलग से, उनको आईटी के लिए हमने वहाँ पे बना के दिया, बच्चों को खेलने के लिए दिया, और वहाँ पे बच्चों को पानी पीने के लिए हमने बोरवेल किया, और आरओ उनको जो वाटर प्योरिफिकेशन मशीन वहाँ पे इंस्टॉल किया, बहुत सारे। तो बच्चों के अंदर वो एक भाव, मतलब उनकी खुशियों को देख के मुझे लगा नहीं ये तो बड़ा अच्छा काम है, और मैंने वहाँ पे बैठने के लिए, वो बच्चे नीचे बैठते थे, मैंने उनको दिल्ली से बेंच डेस्क मल्टी कलर का वहाँ से मैंने मंगा के वहाँ पे दिया। वही चीज़ें जब यहाँ पे एक बार गया था देखा असलफा में, तो वहाँ पे भी ये सब चीज़ों की ज़रूरत थी, तो वही चीज़ें हमारे मन में आई, तो मैंने उत्तर भारतीय संघ के आदरणीय युवा अध्यक्ष संतोष जी से हमारी चर्चा हुई और इस स्कूल को मैंने अभी गोद लिया। आपने कितना दान दिया है और आइंदा क्या करेंगे? आपने कितना दान दिया है अभी स्कूल को और अब आगे क्या? नहीं, अभी तो 51 लाख रुपीज़ इनको हमने डोनेट किया है वो स्कूल के मतलब अच्छा बनाने के लिए, और फिर और भी बहुत सारी जैसी ज़रूरतें होंगी भविष्य में वो हम उसको करते रहेंगे, और बच्चों के लिए जो किताबें हैं उनके यूनिफॉर्म सूट ये सारी व्यवस्था हम अपनी तरफ से उनको करेंगे। उत्तर भारतीय संघ को भी आपने इससे पहले कई दान दिए हैं, उनके बारे में बताएं। यहाँ पे जो गेस्ट हाउस बना है आदरणीय हमारे स्वर्गीय आर्यन सिंह जी के नाम पे, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के वो परिवार जो यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं उन लोगों को रुकने के लिए, तो हम भी उत्तर भारतीय हैं जौनपुर के रहने वाला हूँ, तो मेरा भी फ़र्ज़ होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये वहाँ के लोगों के लिए कर रहे हैं, सुविधा के लिए कर रहे हैं, तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी हमसे हो सकेगा मैं किया भी और हमेशा भविष्य में करता भी रहूँगा। मेरी शुभकामना ये है कि ये बहुत तरक्की करें। देखिए पैसा बहुत लोगों के पास होता है, देने का मन नहीं होता, जबकि कुछ 10% 5% दान कर देना चाहिए तो आदमी स्वस्थ रहता है, बढ़िया रहता है, सब उसके परिवार बहुत अच्छे रहते हैं। ज्ञान प्रकाश जी से आज से नहीं, मेरा 40 साल का संबंध है, हमारे रिश्तेदार भी हैं इनडायरेक्टली, तो इनका स्वभाव बहुत अच्छा है, भगवान करे इनको खूब तरक्की मिले और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की इनकी इच्छा है और बन जाए, आप सबके दुआ से, हम सबके दुआ से, तो समझे मैं समझूंगा कि भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सर आज पार्टी अगर आपको टिकट मिले तो उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र कहाँ से आप चुनाव लड़ेंगे? हम उत्तर प्रदेश लड़ाएंगे। शायद आप जानते होंगे 91 से 96 तक विले पार्ले असेंबली का मैं यूथ का बीजेपी का प्रेसिडेंट था, वो मीठी भाई काले जे सब हमारे उस क्षेत्र में, उस समय रामदास नाइक साहब थे। बाद में फिर मैं, अब चीज़ें होती हैं कि भाई पहले डेवलप करो बाद में ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं अभी जौनपुर से बहुत वहाँ पे वहाँ के लोगों के लिए काम किया है और मेरी इच्छा भी है, क्योंकि मेरी इच्छा क्या, वहाँ के लोगों की इच्छा है कि मैं आगे आऊँ, और इसमें तो इससे क्या होगा, अगर ईश्वर ने चाहा और पार्टी की इच्छा हुई तो जरूर उसमें पार्टिसिपेट करूंगा और वहां के लिए मैं अच्छा काम करूंगा। ज्ञान प्रकाश जी ने
व्यवसाय के जगत में, सिक्योरिटी के जगत में अपना झंडा बुलंद किया है। आज देश के जाने माने मॉडर्न सिक्योरिटीज़ के वो मालिक हैं, प्रबंध निदेशक हैं, और उन्होंने लेकिन इससे बड़ा जो काम किया है वो समाज को दिया है। पूरे के पूरे कोविड काल में उन्होंने जैसा दान दिया वो जौनपुर में दिया, यहाँ स्कूल कॉलेज आप देख रहे हैं कैसे दान, आप अभी आपने सुना ही होगा कैसे वो 51 लाख रुपए कभी दे देते हैं, कभी 1 करोड़ रुपए दे देते हैं, कभी 21 लाख रुपए दे देते हैं। उनकी एक मामूली सी इच्छा जागी है, ऐसे आदमी की मामूली सी इच्छा जागी है कि वो पार्लियामेंट का मेंबर बनना चाहता है। तो ये ज्ञान प्रकाश जी के भाग्य की बात नहीं है, ये जौनपुर के भाग्य में ज्ञान प्रकाश सिंह लिखे हैं कि नहीं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर उनका जौनपुर के भाग्य में लिखे होंगे तभी तो उनको मिल पाएगा ये सब। हमारी इच्छा है कि ज्ञान प्रकाश जी जैसे लोग हमारे देश के पार्लियामेंट में पहुँचें तो ये पार्लियामेंट का रूप बदले। आज खाली नारेबाज लोग हमारे पार्लियामेंट में पहुँच रहे हैं चारों तरफ, उनकी जगह काम करने वाले, दान करने वाले, अपने आप को समाज को समर्पित करने वाले लोग हमारे देश के पार्लियामेंट में दिखाई दें तो ये हमारे भारतवर्ष के लिए कितनी अच्छी बात है। उत्तर भारतीय संघ के लिए आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल है कि आज हमारे सम्मान मूर्ति श्री ज्ञान प्रकाश सिंह जी का नागरिक सत्कार हो रहा है और उत्तर भारतीय समाज की सभी संस्थाओं ने आज यहाँ सहभागी होकर और उत्तर भारतीय संघ के सभी शाखाओं के अध्यक्ष और पूरे समाज के सभी वर्ग के लोग आज ज्ञान प्रकाश सिंह जी के स्वागत के लिए उमड़ पड़े हैं। पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है। वो ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जो लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं, युवा वर्ग हैं और सभी वर्गों के बीच में उनका कार्य है। और आज हम लोगों ने जो इंग्लिश मीडियम स्कूल जो हम लोगों ने स्थापित किया उस स्कूल का नामकरण उनके माता जी के नाम पर हुआ कि हम सभी उत्तर भारतीय समाज के लिए गौरव का पल है। और विशेषकर आपको बताना चाहता हूँ कि स्कूल 15 जून से चालू भी हो गया है और करीब 80 बच्चे वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और हमारा सपना है कि आने वाले समय में हम 10वीं तक उस स्कूल को करेंगे। और जैसे ज्ञान प्रकाश भैया ने बोला कि उस स्कूल में जो भी सुविधाएँ लगेंगी वो उसको हम लोगों को सहयोग करेंगे और ये हम सभी लोगों के लिए आज बहुत बहुत बड़ा गर्व का पल है। उत्तर भारतीय संघ के तरफ से कैसा प्रयास रहेगा, जौनपुर की जनता चाहती है कि ज्ञान भैया को किसी पार्टी से टिकट मिले और चुनकर वो जाएं? देखिए ज्ञान प्रकाश भैया जो हैं वो किसी पद के लिए काम नहीं कर रहे हैं, उनका एक उन्होंने समाज का की सेवा का एक बीड़ा उठाया है और जब व्यक्ति अपना उद्योग करने के बाद जब समय रहता है तो वो समाज सेवा करता है। और ये जौनपुर का सौभाग्य रहेगा कि अगर उनको इसका अवसर मिलेगा तो ज़रूर वो जन जन तक अपनी सेवाओं को देने का कार्य करेंगे। अगर वो लोक प्रतिनिधि के रूप में, सांसद के रूप में अगर उत्तर भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे, जौनपुर क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करेंगे तो वहाँ की जो जनता है उसका मुझे लगता है बहुत बड़ा उसको लाभ मिलेगा। और आज लोगों के बीच में ये चर्चा है, लोग उनके कार्यों को देख रहे हैं, जो निस्वार्थ भावना से लोगों की वो उन्होंने कोविड के समय में जो निस्वार्थ भावना से उन्होंने सेवा की और जब अयोध्या का निर्माण हुआ तो उन्होंने 1 करोड़ 21 लाख रुपए का दान दिया, ऐसे कई कार्यों को उत्तर प्रदेश सरकार ने सराहा है। और ये सबकी इच्छा है कि उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा और मिलेगा तो ज़रूर वो अपनी कसौटी पर खड़े उतरेंगे।